हम लोग जा रहे हैं आईफल टावर और इस समय हम टैक्सी में हैं। एक्चुअली एक थोड़ी गलती हो गई थी, मुझे लगा कि जो हमारा जो लिफ्ट का टाइम है वो 7:30 बजे का है, बट जब मैंने टिकट चेक किया तो 7 बजे का था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि लोकल मेट्रो अब छोड़ते हैं क्योंकि मुश्किल से 20 मिनट बचे हैं, तो इसलिए हमने टैक्सी का प्लान किया। तो जब तक हम टैक्सी में हैं तो मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, स्पेशली टिकट को लेके। तो अगर आप समिट तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक आप चाहे ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और चाहे तो आप वहाँ लाइन में लग के भी टिकट ले सकते हैं। And how Paris is in winter, so with yes, snow and all? Too. Not so much people too, because the winter they go to a holiday too. Ah, okay. Yeah. So mostly this city is filled with the tourists only, not with the Persians. No. okay.
टावर और अभी ये पूरा चमका हुआ है लाइट से। 9 बजे आइफल टावर पर लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है येलो लाइट और 10 बजे एक छोटा सा वाइट लाइट के साथ, तो आप देख सकते हो। और ये टावर रात में बहुत ही सुंदर दिखता है और जो इसके सामने गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठे रहते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी जेब कतरे घूमते हैं, जिससे अगर घूमने हैं तो अपने वैल्यूबल आइटम्स ना लेके आएँ। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको जगह जगह लिखा मिल जाएगा बीवेयर ऑफ पिक पॉकेटर। साथ ही साथ अगर आप किसी को भी कहेंगे कि आप आइफल टावर जा रहे हैं घूमने, तो सबको यही सलाह देता है कि भाई जेब का ध्यान रखना, अपने बैग्स को बिल्कुल पास में रखना। आइफल टावर के जो टॉप का व्यू था वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था, जो सिटी का जो व्यू आता है बहुत शानदार आता है, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो और हर कोई फोटो और वीडियोस बनाने में लगा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतनी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा कि आपको आराम से आप अच्छे फोटो और वीडियो शूट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार पेरिस आ रहे हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप फ्लोर तक जाएं। तो हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। तो ये था day 4। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।